मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा, मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक 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 मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, कई बड़े 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 प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने जा रहा, ये मुझे अंदर की बात बताई गई है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है, क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से। आई मीन मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है, मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है।